नमस्कार, मैं शुभम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। हेट स्पीच मामले से जुड़ा एक नया मोड़ जो है अभी सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में एक बड़ा फैसला सुना दिया है। जी हां, बता दें कि 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर राहुल गांधी के 2 साल के सजा पर इस वक्त रोक लगा दी गई है। यानी कि फिर से राहुल गांधी अपने पुराने फॉर्म में नजर आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है काफी अहम होने वाला है, और बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी ज्यादा मायने भी रखने वाला है। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि राहुल गांधी मामले में आखिर क्या कुछ हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला क्यों सुनाया है। राहुल गांधी की सांसद जाने के 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को ही पलट दिया, जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल जेल की सजा पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसले पर 3 सबसे जरूरी बातें कही। पहला, कहा कि हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों दी। ट्रायल जज को फैसले में बताना चाहिए था कि उन्होंने अधिकतम सजा क्यों दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। दूसरा पॉइंट ये था कि अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटरों के अधिकार का भी जुड़ा मामला हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये रहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि भाषण में जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। दरअसल अदालत के इस फैसले से राहुल के पक्ष में 2 सबसे जरूरी बातें हुई होंगी। राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी और वो मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। और बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल चाहे तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। राहुल को फिर से बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर भी मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन में 3 सुनवाई हुई। जी हां, राहुल गांधी ने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई 21 जुलाई को हुई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता और राहुल से जवाब दाखिल करने को कहा। इसके बाद 2 अगस्त को फिर से बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इसके बाद 4 अगस्त तक फैसले को सुरक्षित भी रखा गया। बता दें कि जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार 21 जुलाई को पहली सुनवाई में जस्टिस गवई ने कहा था कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे और भाई भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनके सुनवाई करने से किसी पक्ष को कोई आपत्ति तो नहीं है। इस पर दोनों पक्षों ने कहा कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। बताते चलें कि शिकायतकर्ता पुरनेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है, उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है। इस बात पर भी काफी ज्यादा बहस हुई। और साथ ही बता दें कि राहुल के वकील ने कहा कि मानहानि केस के चलते राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया गया। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, हिंदी में बोले तो हम इसे शालीन भाषा कहते हैं। मैं यह समझना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नियत किसी को मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को नीचा दिखाने की थी। नैतिक पतन की बात आ रही है, ऐसा कोई साक्ष्य ही मौजूद नहीं है। यह गंभीर अपराध नहीं है, जमानत दिए जाने वाला केस है। ये ऐसा मामला कैसे बन गया जिसमें नैतिक पतन शामिल हो। राहुल के वकील ने एक और दलील दी, ये कोई गंभीर अपराधी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ना जाने कितने केस दर्ज करवाए, लेकिन एक के अलावा कभी कोई सजा नहीं हुई। मोदी कम्युनिटी में जो लोग भी राहुल के बयान से खफा है, सिर्फ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता है, इनके खिलाफ आरोप है ही नहीं। यह एक गंभीर मसला है, क्योंकि एक आदमी डिस्क्वालिफिकेशन झेल रहा है। राहुल के वकील ने एक और पॉइंट रखा, उन्होंने कहा कि मेरी दलीलें खत्म होने के बावजूद अदालत ने 66 दिन तक फैसला रिजर्व रखा। मैंने मई में दलीलें खत्म की और फैसला जुलाई में दिया गया। अभी तक केरल की सीट के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। उन्हें लगता होगा कि जीत के चांस काफी ज्यादा कम है। अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कहता है कि इस मामले को राजनीतिक मत बनाइए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जो भी हो सकता है वो किया जाएगा। तो जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं कि राहुल गांधी के सांसदी जाने के 133 दिन बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे ही दिया है, और बता दे कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट से तब जाकर सामने आया है जब राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए इस मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है, और अब राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल हो सकती है। जैसा कि आपने अभी दलीलों को सुना कि राहुल गांधी के वकील ने किस प्रकार से राहुल गांधी का बचाव किया, जिसमें उन्होंने टू दी फैक्ट पॉइंट्स को रखे हैं, एविडेंस की बात की है, जिसके बाद अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो बड़ी कार्रवाई थी वो हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।